हे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप हमारे किसी ट्रिप को मिस ना करें। हे गाइस, मेरा नाम है शुभदीप मन्ना और वेलकम टू NH6 टॉकीज। सो बेसिकली पिछले कुछ महीनों से मैंने और मेरे दोस्तों ने नागपुर सिटी के आसपास के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट और एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, और आज उसी के बेसिस पे मैं आज आपको सबसे बेस्ट डैम्स के बारे में बताऊंगा। इवेंचुअली अगर आप ये जगह विजिट कर चुके हैं तो आपका ओपिनियन शायद थोड़ा डिफर कर सकता है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने इन 5 डैम्स को सॉर्ट आउट किया है। और अगर आप कभी अकेले या फ्रेंड्स के साथ यहाँ प्लान बना रहे हो तो आपको ये 5 जगह ज़रूर विजिट करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल, नंबर 5 पे एक बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल जगह है जिसे लोकली वेना डैम भी कहा जाता है। ये डैम बेसिकली नागपुर सिटी से अराउंड 25 किलोमीटर्स पे अमरावती रोड में आता है, और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। सिटी से दूर होने के कारण यहाँ क्राउड ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जो इस जगह को और भी पीसफुल और क्लीन बनाता है। वेना डैम एक बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है अगर आप अकेले या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने आते हो तो, बट क्राउड ऑलमोस्ट ना के बराबर होने के कारण इस जगह के कुछ लिमिटेशंस भी बढ़ जाते हैं। यहाँ आपको ना ही कोई रेस्टोरेंट या फूड स्टॉल मिलेगा और ना ही कोई गार्डन या पार्क। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ आने का प्लान कर रहे हो तो आपको यहाँ एक प्रॉपर फूड और अकोमोडेशन की प्लानिंग करके आना पड़ेगा। मैं यहाँ काफ़ी बार अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ और हमेशा मुझे ये जगह सनसेट के टाइम पर विजिट करना पसंद आया है। ओवरऑल ये एक बहुत ही काम, पीसफुल और अनटच जगह है, और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ये जगह सनसेट कैप्चर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, तो इसलिए शायद ये मेरे नंबर 5 लिस्ट पे है। वेल, नंबर 4 के स्पॉट पे नागपुर का एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और अनएक्सप्लोर्ड प्लेस जिसे चंद्रभागा डैम के नाम से भी जाना जाता है। इसे लोकली चारगांव लेक भी बोला जाता है। ये लेक नागपुर सिटी से अराउंड 35 किलोमीटर में काटोल रोड पे आता है, और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत सा लेक है। आपको यहाँ कई वैरायटी के माइग्रेटरी बर्ड्स विंटर में देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ नेचर के बीच एक बहुत ही पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपको यहाँ फिशिंग करने का भी मौका मिल सकता है और इसकी ब्यूटीफुल सनसेट में काफ़ी क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, और अगर आप ध्यान से इस लेक के वाटर को देखोगे तो ये आपको वेव्स के समान भी दिख सकता है, जो इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत और नेचर लवर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। मैं यहाँ काफ़ी बार अपने दोस्तों के साथ विजिट कर चुका हूँ और सिटी के इतना पास होने के कारण मुझे ये जगह पर आना हमेशा से ही बहुत पसंद है। इस जगह पे आपको ना ही कोई फूड स्टॉल या ना ही कोई दुकान मिलेगा, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप अपने खाने पीने का सामान साथ में लाए तो बेटर रहेगा। ओवरऑल आप साल के किसी भी समय यहाँ विजिट कर सकते हो, बट मेरा छोटा सा सजेशन यही रहेगा कि आप विंटर के टाइम में यहाँ विजिट कीजिए, जब आपको माइग्रेटरी बर्ड्स की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्पीशीज देखने मिल सकती है, तो शायद इसलिए ये मेरे नंबर 3 लिस्ट पे। वेल, नंबर 3 पे नागपुर का एक हिडन टूरिस्ट स्पॉट सलाई मींदा डैम है, जो कि आई गेस काफ़ी कम लोगों को पता है। नागपुर से अराउंड 35 किलोमीटर्स में ये एक बहुत ही सीरीन, पीसफुल और ब्यूटीफुल स्पॉट है, और अगर आप एक लेजी संडे मॉर्निंग यहाँ एंजॉय करना चाहते हो तो आप यहाँ एक नॉवेल और एक चेयर साथ ला सकते हो। सलाई मींदा डैम एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस है और एक वीकेंड मस्ती अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है। एक्चुअली किसी को शायद ही यकीन होगा कि इतनी ब्यूटीफुल प्लेस नागपुर सिटी के पास ही लोकेटेड है। लिमिटेशंस पे आ जाए तो यहाँ का रोड कंडीशन थोड़ा ख़राब है, बट ये बिल्कुल वर्थ है क्योंकि ये इतने ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है। सलाई मींदा डैम एक बहुत ही अमेजिंग हिडन डैम है जो कि पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ है, और आप शायद ही एक बार अंदाज़ा लगा पाओ इस डैम का एग्जैक्ट लोकेशन। साथ ही आपको ना यहाँ कोई पेट्रोल पम्प ना ही कोई रेस्टोरेंट या शॉप मिलेगा, सो एक प्रॉपर फूड प्लानिंग करके आना इस लोकेशन पर सही रहेगा। मुझे भी आज तक इस जगह के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, बट पहली बार जब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ विजिट किया तो मैं इस ब्यूटीफुल जगह में मानो अलग ही खो गया। यहाँ आपको बर्ड स्पीशीज की वैरायटी के साथ ही सनसेट का प्रॉपर शॉट मिलेगा, और मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में यहाँ विजिट करना बिल्कुल सही रहेगा, तो शायद इसलिए ये मेरे नंबर 3 लिस्ट पे है। वेल, नंबर 2 और नंबर 1 स्पॉट डिसाइड करना मेरे लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, बट आई गेस बोर डैम मेरे सारे ट्रिप्स का सेकेंड बेस्ट डैम था। ये एक बहुत ही फेमस और अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है और एक कंप्लीट टाइम स्पेंड करने वाला लोकेशन है, बट इसका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसका क्लियर डैम वाटर है, एंड आई गेस नागपुर के आसपास ऐसा कोई डैम नहीं जिसका पानी इतना साफ हो जितना बोर डैम का है।
नागपुर से अराउंड 70 किलोमीटर्स में ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और इस डैम का पानी बिल्कुल सेफ है नहाने के लिए, बट प्रिकॉशंस लेना थोड़ा ज़रूरी है। बोर डैम को लोकली बोरधरन भी कहा जाता है, जिसकी एक और खासियत ये है कि यहाँ एक बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ आप सफारी के मज़े लेकर नेचर के बीच इंजॉय कर सकते हैं। ये एक फुल डे पिकनिक स्पॉट है और आपको यहाँ MTDC का रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, वॉशरूम्स, स्ट्रीट फूड्स और सफारी का भी मज़ा मिल सकता है। आप यहाँ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ नेचर के बीच आराम से किसी वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ तक रोड्स की बात है, बोर डैम एडवेंचरस जंगलों के बीच से जाता है और इसका रास्ता अच्छा होने के कारण आपका ट्रिप और भी इंजॉयबल बना देता है। ओवरऑल ये एक कम्प्लीट पिकनिक स्पॉट है और मुझे तो सीरियसली यहाँ हमेशा आने में बड़ा मज़ा आता है, तो शायद इसलिए ये मेरे नंबर 2 लिस्ट पे है। तो गाइज, नंबर 1 का स्पॉट डिसाइड करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बट मेरे ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने रामा डैम को नंबर 1 के स्पॉट पे रखा है। ये डैम को लोकली वड़गांव डैम के नाम से या लोअर वुन्नार डैम के नाम से भी जाना जाता है, जो नागपुर से अराउंड 50 किलोमीटर्स में आता है। ये डैम एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट है और अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो ये एक परफेक्ट लोकेशन है। रामा डैम विदर्भ का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट डैम में से एक आता है और पहली बार इसे देखने में ये किसी समुंदर के जैसा दिखाई देता है, जिसका क्लियर ब्लू वाटर और ग्रीनरी इस जगह को नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट लोकेशन बनाता है। यहाँ तक के जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो इस जर्नी को और भी ज़्यादा स्मूदिंग बनाता है। अगर आप कोई नेचर लवर हो और एडवेंचर के शौकीन हो तो आपको यहाँ साहस कैंप भी मिलेगा, जहाँ आप कैंपिंग और इसकी वेरियस एक्टिविटीज़ में इस डैम को प्रॉपरली इंजॉय कर सकते हो। इस जगह पे आपको ना ही कोई फूड स्टॉल मिलेगा ना ही कोई रेस्टोरेंट, तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि आप अपने खाने पीने का सामान साथ में ले जाए तो बेटर रहेगा। तो ओवरऑल अगर आपको किसी सडन पिकनिक स्पॉट की तलाश में किसी पीसफुल और लेस क्राउडी लोकेशन के लिए जाना है जो कि नागपुर के बहुत ही ज़्यादा पास हो, तो मेरी माने तो रामा डैम आपके लिए एक परफेक्ट लोकेशन रहेगा, तो शायद इसलिए ये मेरे नंबर 1 स्पॉट पे है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और NH6 Talkies को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।